नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। डीवीसी ने शाम को पत्र भेजा और रात से शुरू कर दी बिजली की कटौती, कई जिलों में अंधेरा। डीवीसी ने 5 नवंबर की शाम 7:30 बजे झारखंड बिजली वितरण निगम और राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारियों को पत्र भेजा कि रात 12 बजे से 50% बिजली यानी 300 मेगावाट की कटौती शुरू की जाएगी। इधर पत्र मिलने की ठीक 4.5 घंटे बाद रात 12:30 बजे से ही डीवीसी ने बिजली कटौती शुरू कर दी। नियमता 15 दिन पहले नोटिस देने का प्रावधान है। बिजली कटौती से रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरडी व धनबाद के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। झारखंड में डायन बता दो महिलाओं को दी खौफनाक सजा, शरीर से मांस नोचकर खा गया। झारखंड से महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार की बड़ी सनसनीखेज खबर आई है। राज्य के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र स्थित गमरिया में डायन बताकर दो महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान एक हमलावर ने पीड़िता का मांस दांत से नोच लिया और उसे चबाकर खा गया। इस खौफनाक घटना की शिकार महिलाएं रिश्ते में चाची, सास और बहू है। पीटने वाले भी उनके रिश्तेदार ही हैं। इन महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया गया है। 2 एसपी को खेल कूद में रुचि नहीं मिला, सो कोच इस उद्घाटन समारोह में नहीं हुए थे शामिल। जामताड़ा और दुमका एसपी को खेल में रुचि नहीं है। वर्तमान में जामताड़ा के एसपी दीपक कुमार सिन्हा और दुमका के एसपी अंबर लकड़ा है। इसका खुलासा दुमका रेंज डीआईजी सुदर्शन मंडल ने अपनी रिपोर्ट में की है। डीआईजी ने दोनों एसपी को सोकोच भी किया है। उन्होंने डीजीपी नीरज सिन्हा को भी रिपोर्ट भेज दी है। नक्सलियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए बदली रणनीति, कैमबैक ड्रेस पहनकर बदल रहे अपना हुलिया। झारखंड में नक्सलियों ने पुलिस और कमांडो को चकमा देने की नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत नक्सली अब कॉम्बैक्ट ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ग्रामवासी से लेकर पुलिस के जवान चकमा खा रहे हैं और वे नक्सली पुलिस और गश्ती दल को धोखा देने में सफल रहते हैं। हाल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी और झारखंड जनमुक्ति परिषद के वीडियो और फोटो में इसका खुलासा हुआ है, जिससे वे कॉम्बैक्ट ड्रेस पहने दिखाई दे रहे हैं। बीएड की बची सीटों पर इस तारीख से शुरू होगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, जानिए विस्तार से। झारखंड बीएड सेक्शन 2022-23 के लिए जल्द ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस वीकेंड राउंड की काउंसलिंग की शुरुआत 8 नवंबर 2021 से होगी, इसलिए अगर आपको भी अभी तक बीएड के लिए सीट अलॉटमेंट ना हुआ है तो फिर से आवेदन करके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सीट पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस बाबत नोटिस झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है। इस नोटिस को देखने के लिए आपको JCET/GCET की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है। 1.5 महीने तक झारखंड में उत्सवी माहौल, हेमंत सरकार के पूरे होने जा रहे हैं 2 साल। झारखंड सरकार ने अगले 1.5 महीने तक उत्सवी माहौल के आयोजन की तैयारी कर ली है। 15 नवंबर को आयोजित राज्य स्थापना कार्यक्रम से वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने तक नियमित तौर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और इस दौरान सरकार के संदेश आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम सीमित संख्या में लोगों को उपस्थिति के बीच होना, जबकि 29 सितंबर को मोराबादी मैदान में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बृहद कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। खतरनाक लापरवाही, झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले रोज होने वाले टेस्ट 42% कम देश में आधे। देश में 29 अक्टूबर के बाद रोजाना के नए केस 13,000 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। इससे लगता है कि देश से कोरोना खत्म होता जा रहा है। अगर इस खुशमहमी में की कई लापरवाही भारी पड़ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल मई में हम रोज जितने टेस्ट कर रहे थे अभी उसके आधे ही टेस्ट हो रहे हैं। अप्रैल में रोज औसतन 18 लाख तो मई में 19.5 लाख टेस्ट हो रहे थे। झारखंड स्थापना दिवस पर नागरिक सेवा मिशन की बड़ी सौगात, जानिए क्या है यह मिशन।
झारखंड सरकार राज्य के स्थापना दिवस पर लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार इस दिन नागरिक सेवा मिशन अभियान शुरू करेगी। यह 15 नवंबर से सरकार के गठन के दिन 29 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत 11 क्षेत्र की 46 सेवाओं व योजनाओं के आम आदमी से जुड़े आवेदनों को निपटाया जाएगा, यानी इस योजना से जुड़ी आवेदनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थापना दिवस पर इसका आगाज करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने आवेदनों की प्रतीक्षा सूची प्राप्त कर योग्य आवेदकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य विभागों को दिया है। वहीं मुख्य सचिव ने इसकी निगरानी के लिए वेब पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव हर हफ्ते इसकी समीक्षा करेंगे। वैट कम करने को लेकर गोड्डा में भाजपा ने किया प्रदर्शन। भाजपा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में राज्य सरकार की ओर से अब तक वैट कम नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया है। रोहतारा चौक से समरणालय तक विरोध मार्च करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। चुनाव आयोग का देवघर डीसी को सौकोज, पूछा 6 महीने बाद बीजेपी सांसद पर एक ही मामले में 5 थाने में क्यों कराई एफआईआर। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को चुनाव आयोग ने सौकोज किया है। उन्होंने यह सौकोज निशिकांत दुबे पर एक ही दिन में 5 थाने में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में किया है। आयोग ने डीसी से पूछा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोड्डा सांसद पर 6 महीने की देरी से क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई है। आयोग ने डीसी से कारण बताते लिखा कि आखिर मौखिक तौर पर वीडियो से केस दर्ज कराने के लिए किस आधार पर कहा गया। जहां आचार संहिता लागू नहीं था उस क्षेत्र में थाने में भी केस दर्ज कराया गया है। एफआईआर करने से पहले आयोग की इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई।